बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हेवनली पेट्स। और फिर से आज सबसे पहले आपको रैबिट्स दिखाऊंगी। और ये अकेला है, हमारी लोला अकेली हो गई है क्योंकि जो बग्स है वो मिल नहीं रहा, वो मरा नहीं है लेकिन अब पता नहीं वो किधर चला गया है। रात को बंद तो करके गए थे सबको, इनके केज का दरवाज़ा थोड़ा सा लूज है तो अब वो गायब है। मैं जब ऊपर आई थी सुबह तब भी ये अकेला बाहर मुझे नज़र आया था, निकले बाहर दोनों ही हुए थे लेकिन मुझे अकेला ही नज़र आया था तो इसको पकड़ के मैंने बंद कर दिया। आपको पता है आराम से बंद हो जाता है तो, लेकिन अब इसकी फीमेल हमें नहीं मेल हमें नहीं मिल रहा, बग्स नहीं मिल रहा। वो जितना बड़ा शैतान है ना, मैं पूरी हर जगह पर देख के गई हूँ जहाँ जहाँ वो छुपता है लेकिन वो मिल नहीं रहा। मैं अकेली उसको ढूंढ भी नहीं पा रही। बस उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक आज के दिन में ही वो हमें मिल जाए, किसी चीज़ के नीचे से कहीं से भी छुपा हो, बिल्ली ना बस उसको कहीं ले गई हो, क्योंकि हमारी छत पे बिल्ली आती बहुत कम है लेकिन आती ज़रूर है, तो बस वो ना उसको ले गई हो। बाकी दुआ है कि वो हमें आज ही मिल जाए लाजमी। मैंने लोला को खोला और इसको आग लग गई है कि मुझे छोड़ दो, मैंने इसको पकड़ा है, इसको पहले मैं नीचे भेजूँगी। और ये इनकी भी आपस में लड़ाई चल रही है, कल मैं बिन्नू को नीचे भेज लूँ। वैसे तो सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा काम मुझे ख़राब लग रहा है क्योंकि हमारी एक जावा थोड़ी सी डल लग रही है, इसको थोड़ा सा तंग करके देखते हैं अगर ये उठती है तो। हो गया, मेरी फिंगर भी नहीं अंदर तक जा रही, मैं इसको खोल के फिर उसको उठाना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल ही दुनिया से बेगानी होकर पड़ी हुई है। ओए ठीक हो, लग तो नहीं रहा। ओ ये तो ठीक नहीं लग रही बिल्कुल, इसको मार पड़ी है। पता नहीं इसको क्या हो गया, देखना पड़ेगा सही से। कन्फर्म मुझे तो लग रहा है कि इसको लाजमी कोई मसला है। मैं अकेली हूँ, किसी को ऊपर बुलाना पड़ेगा ताकि इसको देखें। मैं किस किस को देखूँ, मेरे बग्स को भी ढूंढना है, ये भी मुझे अब डर लग रही है। अभी भी नीचे ही बैठी है, बाकी सारी तो ऊपर बैठ गई हैं, अभी इसका कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं उसको देखने गई हूँ जावा को, और हमारी लोला पीछे से गायब हो चुकी है। अब वो भी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं किधर चली गई है। अब दोनों को इकट्ठे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं। और बाहर से गिनू की भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन अब उसको अंदर नहीं आने दे सकते, उसने गर्दन मरोड़ देनी है सबकी। ये मिस लोला हमें मिल चुकी हैं लेकिन बॉक्स नहीं मिल रहा। हे लोला, डू यू नो वेयर इज योर बडी। दो चीज़ों की टेंशन लग गई है, एक हमारी वाइट जावा की और एक हमारे बग्स की। पता नहीं क्या करना है मैंने अकेली में। हमारी जो वाइट जावा है, पता चला है इसको ये भी जख्म आए हुए हैं और अचानक से हमें लगा है कि ये मर गई है। दर्द होगी बहुत। अभी भी समझ नहीं आ रही कि ये जिंदा है कि नहीं है, हिलती है हर दो मिनट बाद, ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई है इसकी तो। हमारे इस पोते को भी पता नहीं क्या मसला हो रहा बार बार, ये पहले भी इधर आके फंसा था, इसको निकाला है तो ये फिर इधर आके फंस गया, ये जानबूझ के फंस रहा है इधर। तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, हमारी जावा मर गई है। अब समझ नहीं आ रही क्या करे बंदा। चोंच वाइट थी ना, रेड थी ना, इसकी चोंच भी रेड थी, देखें बिल्कुल वाइट हो गई है। और उसकी आइज़ के भी साइड पर जो सर्कल था वो रेड था, वो भी वाइट हो गया बिल्कुल। तो बहुत गुस्सा आ रहा है बिल्ले पे, हमारे बग्स को भी ले गया है और हमारी जावा भी मार दिया उसने। जबकि काम चेक करें, एक बॉक्स में ही घुस के खा रहे हैं कब, तो मैं दूसरा बॉक्स लेके आई हूँ ताकि ये लड़े ना इस तरह आपस में। अब बाकी नीचे आ गए हैं, वरना तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे ये। सबसे पहली बात, अब उस बिल्ले का तो कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। हम अपने सेटअप पे प्यारे प्यारे जानवर भर रहे हैं और वो ख़त्म करी जा रहे हैं।
आज पहली बार हुआ ऐसा, अभी उसको कुछ नहीं करेंगे तो वो दोबारा लाजमी हमारे सारे जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि यहाँ पे अब हैं ये हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से परिंदे, तो वो ज़रूर कुछ करेगा। एक तो हमारे बग्स को ले गया, दूसरी हमारी जावा को उसने इतना ज़ख्मी किया जिसकी वजह से वो मर गई है, दो नुकसान हमारे कर दिए। लेकिन जो मामा ने मुझे हल बताया वो तो ठीक नहीं है, मम्मा कह रही, मम्मा को बहुत गुस्सा आया, मम्मा कह रही इसको जहर डाल देना गोश्त पे लगा के, लेकिन नहीं, जानवर है वो, उसकी फितरत है, लेकिन कोई ना कोई बंदोबस्त तो उसका लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि और नुकसान नहीं हम इस तरह के बर्दाश्त कर सकते। वैसे तो अभी हमने इनका कोई ठीक से कवर अप करना या सेटअप अभी ठीक से किया नहीं है, आपको पता अलग अलग पिंजरे पड़े हुए हैं सारे, ये तरपालें ऊपर और ये चादर वगैरह सारी, हमने अपने घर की सारी चादरें इनके ऊपर लगा दी हैं, इनको कवर किया है अच्छे से, सर्दी ना लगे, साइड पे फ्लेक्सेस लगाए हैं ताकि बिल्ली साइड से ना तंग करे, सर्दी ना आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, तो अब लाजमी हो गया है कि इनका एक जगह पे सेटअप बने और सारे एक ही चीज़ से कवर हों, ताकि हम इनको बिल्ली से भी बचा सकें और सर्दी से भी हम इनको बचा सकें। आज इनको अभी तक दाना भी नहीं डला था, क्योंकि घर में कोई था नहीं जिससे दाना हम मंगवा सकते, तो अभी इनका दाना मंगाया है। अभी आपने हमारे वजीज को देखा था इस तरह टूट के पड़े हुए थे दाने को, तो अभी नीचे कॉकटेल भी आपको नज़र आ रहे हैं, सारे इकट्ठे ही सारे दाने के अंदर घुसे हुए हैं, सभी दाना खा रहे हैं, इनको भी बहुत भूख लगी हुई थी, ये भी टूट के पड़े हैं, हमारी डव वगैरह सब ने अभी तो दाना खा लिया, जब मैंने डाला दाना तब सब देखने वाले थे। तो आज का दिन बड़ा अजीब गया है वाकई में, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, इतना मूड ख़राब है ना जावा की वजह से, हमारे बग्स की वजह से, इतना प्यारा हमारा हमारी लोला अकेली रह गई है। वे भी घर आए हैं और उनको मैंने बताया है कि बग्स और जावा हमारी वाइट वाली जो है उसके बारे में कोशिश तो जारी है उनकी ढूंढने की, लेकिन मुझे पता है मिलेगा नहीं इनको। तो आपने देखा नहीं उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, बंद था, क्या था? खुला दरवाज़ा खुला हुआ था सुबह, वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था, और बाकी मतलब? हाँ, ये जो अभी है ना यही वाला बैठा था, दूसरा वाला था ही नहीं, बग नहीं था, है सुबह ही नहीं था, हाँ सुबह भी नहीं था, है वो रात ही, वरना वो बाहर भी तो निकलता है ना उस, अच्छा खासा उसकी अच्छी एक ही हमारी लोला रह गई है इतनी पड़ोसी, वो भी सैड सैड है। मेल है फीमेल है? लोला तो मेल नहीं, फीमेल है भाई, इसके लिए सुबह फिर एक मेल आएगा इंशाल्लाह। वाइट वाली जावा को देख रहे हैं, दुख लग गया कसम से, उसके पांव पे भी एकदम से हर चीज कोई वैसे मरती जा रही है, वो भी ले रही हूं। तो आज की वीडियो में तो कोई खुशखबरी थी नहीं लेकिन अब हम अपनी जो क्या है बस लोला अब हम इसके लिए बग्स लेके आएंगे, और जो हमारी जावा है वाइट उसका भी फिर हम पूरा करेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।